नमस्कार। यूपी मिश्रा का अपने आवाज से ही मैं आज बात कर रहा हूँ। देखिए, इस बार श्राद्ध पक्ष कब से शुरू हो रहा है, भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन जिस 20-25 पंचांग को मैं मथने के बाद दो ही पंचांग की को मैं यूज करता हूँ, एक तो चिंताहरण जंत्र या चिंताहरण पंचांग या काल निर्णय पंचांग, ये बिल्कुल शुद्ध होता है। उसमें डिग्री में गलती नहीं होती, मिनट में भी गलती नहीं होती है, सेकेंड्स में गलती होती है। ये डिग्री मिनट सेकेंड्स आकाश में जो आर्क है, जो सर्किल बनती है, वो 360 डिग्री होता है, और कोई ग्रह किस जगह कहाँ पर लोकेटेड है उसकी गणना पंचांग में रहती है। तो पंचांग में यदि सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। जैसे ऋषिकेश पंचांग हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर उत्तर भारत में, लेकिन ये बाकी सब पूजा पाठ के लिए सही है, ज्योतिष गणना के लिए इसमें थोड़ी कमी है। तो इस बार जो पूर्णिमा है वो 2 दिन लग रहा है, 17 तारीख और 18 तारीख, और जो आश्विन कृष्ण पक्ष जो शुरू हो रहा है वो 19 तारीख से शुरू हो रहा है, और तिथि है द्वितीया, एक तिथि का लोप हो गया है, इसलिए कि पूर्णिमा लगभग 2 दिन 17-18 पकड़ लिए हैं, दो दिन को। तो 19 तारीख को द्वितीया से ये पक्ष शुरू हो रहा है, आश्विन कृष्ण पक्ष या श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहा है। अब आप लोग जहां जैसे करते हैं वैसे मानिए, जिस पंचांग को यूज करते हैं मानिए, मेरा जो बोलने का है वो मैंने आपको बता दिया, कारण सारे पंचांगों की गणित ठीक नहीं। जो नेशनल पंचांग हमारा भारतवर्ष निकालते हैं वो भी एकदम शुद्ध है, उसमें भी द्वितीया से ही शुरू हो रही होगी। तो आज मैं श्राद्ध पक्ष के बारे में ही कुछ बात बोलना चाहता हूं कि हम लोग अपने पितरों का श्राद्ध कैसे दें। बड़ी सरल भाषा में देखिए, संस्कृत जो है वो देववाणी कहलाती है, संस्कृत जो है वो देववाणी है, और जो हम लोग हिंदी में बात करते हैं वो प्राकृत वाणी है, हिंदी है। तो देववाणी या जो संस्कृत है ये सभी लोग नहीं जानते हैं, आपको पंडित जी की जरूरत पड़ेगी। तो जो चीज वो पंडित जी आपको पढ़ाएंगे, जिनके घर में सुविधा है कम न कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति को मैं जो अनुरोध कर रहा हूं बोर्ड पर मैं बता रहा हूं, तो समझ जाइएगा कि हमारे जो पितर लोग धरती पर आते हैं, जब धुरी एक होती है पितर लोग की और पृथ्वी की धुरी एक होती है, और ये धुरी उनके घड़ी के हिसाब से 1 घंटा समय रहता है, और हमारे गणना के हिसाब से ये 15 दिन रहता है। तो पितर पक्ष 15 दिन का होता है लगभग,
इस 15 दिन में ही वो पितरलोक से नीचे उतरते हैं और अपने पुत्रों के पास जाते हैं। पितृ पक्ष का मतलब श्राद्ध पक्ष और एक पक्ष का मतलब होता है 15 दिन। परंतु इस साल शुरू के 14 दिन हो रहा है और स्टार्ट कर रहा है 19 तारीख से। और ये द्वितीय से शुरू हो रहा है। में एक तिथि लोप हो गया है। लोप का मतलब होता है कि जिस तिथि में सूर्योदय ना हो उस तिथि को गणित के लिए नहीं लाया जाता है, पूजा पाठ सब चीज के लिए नहीं लाया जाता है। तो हुआ क्या, इस बार जो पूर्णिमा है पिछला, सत्रह नौ और 18-9, ये दोनों दिन पूर्णिमा पूर्णिमा प्रभावित है। तो पूर्णिमा ये 2 दिन प्रभावित हो गए, नहीं तो 18 तारीख से शुरू होता होता ये श्राद्ध पक्ष। ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत जगह कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ये मैं बता रहा हूं। और इस श्राद्ध पक्ष की जरूरत ही क्यों, जल देना ही क्यों, तर्पण करना ही क्यों, क्या जरूरत है, उसकी आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना कि श्राद्ध पक्ष की व्हाट इज द इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है? महत्व ऐसा है कि पितृ शब्द से अंदाज तो लगा होगा कि पितर, एंसेस्टर, जैसे मेरे पापा जीवित नहीं है तो पितर हुए हमारे फर्स्ट। उसके बाद दादाजी हुए, उसके बाद पर दादाजी, तीन।
तो ये तीन कैटेगरी होता है। ये पितृलोक है और ये पृथ्वीलोक है। तो जो श्राद्ध पक्ष 15 दिन का होता है, इसकी धुरी और पृथ्वी की जो धुरी है, ये धुरी यहां पर, ये जो धुरी है एक सिद्ध में आ जाती है और ये 15 दिनों के लिए रहती है। ये धुरी जो पितृलोक की जो धुरी है और पृथ्वीलोक की जो धुरी है, ये पंद्रह दिनों तक सीधी रहती है। तो इस यहाँ जो हमारे पितर लोग हैं, यहाँ इस लोक में जो हमारे पितर लोग हैं, जिस अवस्था में भी है, वो लोग इससे, इस सीधी से पृथ्वी लोक पर आ सकते हैं, उतर सकते हैं, पृथ्वी पर उतर सकते हैं। वो पृथ्वी पर आएंगे ही क्यों? हमारे जो पितर पितृलोक में रहते हैं, जैसे हम लोग पृथ्वी लोक पर रहते हैं तो रहे, उसी तरह से पितर लोग भी अपने पितर लोक में रहते हैं, रहे, उनको पृथ्वी पर आने की क्या जरूरत है? तो जरूरत ऐसा है कि जो पितर लोग होते हैं, वहां उनके पास खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये ईश्वरीय प्रदत्त बनावट है। तो उनका जो एक दिन होता है, एक दिन हम लोगों का एक साल के बराबर होता है। पितृलोक का वन डे और ये 360 दिन, पितर लोक का एक दिन हमारा 360 दिन के बराबर होता है। इसलिए चंद्रमास के हिसाब से 360 डिग्री का महीना, मतलब 12 महीना 30-30 दिन का होता है 360। तो इनका एक दिन हर साल, जब हम लोग का नया साल होता है अश्विन टू अश्विन, तो उनको भोजन चाहिए। भोजन के लिए वो पृथ्वी पर आते हैं। ये जो पितर लोग हैं, वो लोग पृथ्वी पर आते हैं। कहा ये 15 दिन के लिए ही ये धुरी बनी रहती है, फॉर 15 डेज, 15 दिन तक ये धुरी बनी रहती है। तो ये जो संपर्क है, ये 15 दिन का होता है।
उसके हिसाब से उनका एक घंटा और हमारा 15 दिन बराबर हुआ। तो वो लोग ऊपर से आते हैं, 1 day is equal to 300, मतलब 1 year। उनका एक दिन हमारा एक साल होता है, तो उनको एक दिन का भोजन चाहिए। तो पृथ्वी पर आते हैं, उतरते हैं, जहां पर सबसे पहले उनका जो बड़ा बेटा है, प्रथम संतान, वो प्रथम संतान के दरवाजे पर उस घर में आ जाते हैं। ये सत्य है, यही सत्य है, सत्य के अलावा कुछ नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो पितर लोग आते हैं, धरती पर उतरते हैं, उनको चाहिए एक दिन का भोजन। जैसे ये धुरी हट जाएगी, धुरी हट गई, पृथ्वी घूम रही है, ये धुरी हट गई, ये धुरी हट गई। तो चूंकि धुरी हट गई तब ऊपर चढ़ नहीं सकेंगे ना, इसलिए 15 दिन जिस दिन महालया होता है, महालया होते दिन तक कैसे भी चाहते हैं कि बेटे के हाथ से हमको भोजन मिल जाए, तो लेके हम तुरंत ऊपर चढ़ जाएं, फिर तुरंत ऊपर हम चढ़ जाए। तो उनको चाहिए क्या, हमारे यहाँ क्या भोजन चाहिए? कुछ चीज जो बोल रहा हूं थोड़ा मान लीजिएगा, ऐसे तो बहस के लिए बहुत लंबी चौड़ी चीज है और कतार है, लेकिन उनको सिर्फ हमसे जल चाहिए, और वो जल पवित्र जल चाहिए, और तिलयुक्त जल हो। तिल सबसे चिकना पदार्थ माना जाता है, अन्न में सबसे चिकना। तो जो चीज चिकना होता है वो घोट सकते हैं बड़े आराम से। तो जल में भी रूखापन है, तो तिल के साथ जो जल मिल जाता है वो बहुत चिकना हो जाता है, वो उसको घोट सकते हैं, सुई के बराबर छेद रहती है। उसी से सिर्फ उनको जल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तिल युक्त जल पितरों को चाहिए, देवताओं को अक्षत के साथ चाहिए, ऋषि का लोग श्राद्ध करते हैं तो जौ के साथ, जल तिल जौ, देवताओं का श्राद्ध करते हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन जो हमारा कर्तव्य है वहां तक हम बात बोल रहा हूं कि इतना तो किया जा सकता है कि जब वो पृथ्वी पर आ गए और आपके घर में आ गए तो थोड़ा जल तो उनको दे दीजिए। किसी गेस्ट को घर में बैठाते हैं, चाय पिलाते हैं, वो आए हैं आपके दरवाजे पर, मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए, यूपी मिश्रा झूठ नहीं बोलता, बड़ा करके नहीं बोलता है, जो जानता है वही जानता है, सत्य ही जानता हूं मैं तभी बोलता हूं। तो आपके घर में आए हैं, 15 दिन आपके पूर्वज आपके साथ रहेंगे सर, ब्लेसिंग देंगे आपको। सिर्फ आपको करना क्या है, जो करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए बाजार में इस तरह से कुशा मिल जाएगा, कुश ग्रास घास का नाम है, इट इज द नेम ऑफ ए ग्रास, ए टाइप ऑफ ग्रास जो लंबे लंबे होते हैं। तो ये ग्रास का एक टुकड़ा लीजिए ऐसे, और बाएं हाथ में पकड़िए ऐसे ऐसे, ये निकला रहेगा, और
ऐसे पकड़ेगा, यहां पर जल देने से ये तो नीचे गिरेगा, तो नीचे या तो तुलसी जी का कबूतर हो या एक थाली हो बड़ा सा पीतल का, सॉरी तांबा का, और यहां पर आप जल गिराएंगे तो देखिएगा कि ये इस कुशा के पाइप के जरिए या पत्ते के जरिए ये नीचे गिरेगा। कुशा जो है इसको बहुत पवित्र माना गया है, कंपेयर किया गया है कि भगवान विष्णु के शरीर में जो रोआ है वही कुशा है, उतना पवित्र है ये कुशा, और इसी से जल दिया जाता है पितरों को, बाजार में बड़ी आसानी से कहीं भी उपलब्ध है। तो ऐसे रखिए और एक छोटा सा लोटा ले लीजिए, या लोटा छोटा सा जो जिसमें आप गंगा जल जल मिश्रित है उसमें एक चुटकी तिल डाल दीजिए, एक चुटकी जौ डाल दीजिए थोड़ा सा, और चावल डाल दीजिए। बस ये चार चीज की जरूरत है, शुद्ध जल जल है उसमें दो थोड़ा गंगा जल मिला दीजिए तो पूरा गंगामय हो गया, गंगा जल हो गया, उसमें थोड़ा तिल मिला दीजिए, उसमें जौ मिला दीजिए थोड़ा 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 एकदम इतना थोड़ा, और अरवा चावल वो मिला दीजिए। अरवा चावल का मतलब होता है चावल जो टूटा हुआ नहीं है, अक्षत बोलते हैं उसको, जो टूटा हुआ नहीं क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है उसको अक्षत बोलते हैं। ढेकी में कूटने में चावल टूट जाते हैं, तो ऐसे चावल जो अक्षत है जो टूटे हुए नहीं है, ऐसे चावल से जो जल मिला रहता है उस जल को देवता ग्रहण करते हैं, या दिव्य जो आत्माएं हैं वो ग्रहण करते हैं। और जौ में देखिएगा उसके एक तरफ में थोड़ा सा जटा के ऐसा रहता है, तो इसलिए ऋषियों को, जितने ऋषि सभी तो हमारे पूर्वज है ना, तो सबको दिया जाता है। तो सिर्फ इतना ही कीजिए, इतना लीजिए और जल ऐसे लीजिए, लोटा में लीजिए ऐसे, और बहुत शांत होकर के मन में ध्यान कीजिए अपने पापा को जो गुजर गए हैं, और जो सबसे बढ़िया उनका फोटो है वैसे ही आशीर्वाद मुद्रा में खुश होकर के पापा को आप बुलाइए कि पापा आइए, मैं आपके लिए जल दे रहा हूं,
मेरे पिताजी जिनका नाम ये है, आप नाम बोलिए पिताजी का। मेरे पिताजी जिनका नाम ये है, जिनका गोत्र ये है, जिनका नक्षत्र ये है, यदि जानकारी है। नहीं तो आप जब आप ध्यान करेंगे पिताजी को, तो चूंकि आपके घर में ही है, वो सामने में आ जाएंगे। बहुत मंत्र और गोत्र वगैरह उच्चारण करने की जरूरत नहीं, वो तो खुद आए हुए हैं आपके दरवाजे पर। तो आप पिताजी का जो सबसे सौम्य और सुंदर और उत्तम रूप है, उसका ध्यान करके उनको आग्रह कीजिए कि मैं आपको जल दे रहा हूँ, तिलीयुक्त जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए। ऐसे करके गिराइए जल को हाथ पर, नीचे थाली में इधर से जल गिर जाएगा, थाली में इधर नीचे जल गिर जाएगा। और कल्पना कीजिए कि वो वहां पर वो लोग आसन में बैठे हुए हैं और जो जल गिर रहा है वो ग्रहण करके पी रहे हैं, दे रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं पिताजी आपके। और बोलिए तृप्यतः, जल गिराइए, तृप्यतः जल गिराइए, तृप्यतः जल गिराइए। इससे जल जब 3 बार उनको मिल गया, वो तृप्त हो गए, आपका काम पूरा हो गया। तो पिताजी को बशु रूप बोलते हैं, जब 3 रूप में आते हैं। उसके बाद बाबा को बुलाइए, उनको याद कीजिए कि मेरे बाबा जी दादाजी जिनका नाम ये है, आप यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके लिए जल गिरा रहा हूँ, आप जल ग्रहण करें। तृप्यतः प्रणाम कीजिए, जल गिराइए, तृप्यतः प्रणाम कीजिए, जल गिराइए, तृप्यतः प्रणाम कीजिए, जल गिराइए। नीचे जो थाली पड़ा हुआ है या तुलसी दल जो है, वहां पर आपके पापा ग्रहण कर रहे हैं, दादाजी ग्रहण कर रहे हैं। ये आदित्य रूप कहलाते हैं, सेकंड जनरेशन, पापा के ऊपर वाला जो सेकंड जनरेशन। तीसरा जनरेशन जो है वो रुद्र कहलाता है। कहीं गलती हो तो जो लोग जानकार हैं करेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन असली कीमत है आंख बंद करके अपने दादाजी, परदादाजी को ध्यान करके, प्रणाम करते हुए तृप्यतः करके यहाँ जल गिराइए। इसके जरिए जल गिरेगा थाली में, उनको मिल जाएगा, वो 3 पी करके वो तृप्त हो जाएंगे। और आपको आशीर्वाद देते हुए, आपको आशीर्वाद देते हुए आपके पापा, आपके दादाजी, परदादाजी, वो फिर ये जो चुकी धुरी बनी हुई है, इसके जरिए वो अपने लोक में वो चले जाएंगे। वो ठहरेंगे नहीं है, उनको ठहरने की कोई जरूरत नहीं है। तो आए हैं भोजन के लिए, जैसे उनको भोजन दे दीजिएगा, वो तृप्त होकर के ऊपर चले जाएंगे। यहां तो आपका काम खत्म हो गया। लेकिन जितने और जो पितर हैं, माने आपके मम्मी यदि नहीं है तो मम्मी माता जी को भी दीजिए, दादा दादी जी को दीजिए, पर दादी जी को दीजिए, और भी जो चाचा जी लोग हैं। क्या है, जल तो गिराना है, नाम ध्यान कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि आइए मैं आपके लिए जल गिरा रहा हूँ, तृप्यतः तृप्यतः करके दीजिए कि आप तृप्त हो जाइए, मैं जल गिरा रहा हूं। तो जितने लोग दिवंगत हो गए हैं आपके परिवार के, सबों को आप जल दे सकते हैं। कितना मिनट लगेगा आप बताइए? यदि आपके परिवार में 100 आदमी हैं तो 1 घंटा में भी हो जाएगा। यदि 5 आदमी हैं तो 5 मिनट में हो गया। तो मैं तो अड़ोस पड़ोस यहां तक बोलता हूं कि जो लोग आसपास में भी जो आत्माएं भटक रही हैं धरती पर, जिनके कोई पुत्र नहीं है, जिनके अपने कोई नहीं है, जिनको जल दे कोई,
आप लोग सब आइए, आप किसी गोत्र के हो, किसी नाम के हो, मतलब नहीं है। जो आत्मा यहाँ पर आस पास में भटक रही हैं, मैं सबको जल दे रहा हूँ, ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए, ऐसे ग्रहण कीजिए, तृप्यतः तृप्यतः तृप्यतः, और देर तक कीजिए, तृप्यतः 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 करके जल गिराइए कि मैं सबों को जल दे रहा हूँ, जितने लोग हैं तृप्त हो जाइए। आपका काम खत्म हो गया, आपको न तो पंडित जी की जरूरत है न किसी की जरूरत है, आप खुद और आपके पापा दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं, आपके दादाजी और आपके बीच में तीसरा कोई नहीं, आपके परदादा जी और आपके बीच में भी कोई नहीं है। आप दीजिए जल, ग्रहण उनको करना है, छोटी सी चीज है, उनको तिल युक्त जल चाहिए। लेकिन जब हम लोग करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत डिटेल करते हैं, वो देवताओं को, सबसे पहले देवताओं को जल देते हैं, सारे देवताओं को जितना उनको देना है देवताओं को जब जल दे दिया तो ऋषियों को जल देते हैं, फिर जो मृतक हो गए पितर उनको देते हैं, कभी लोग देवता को देते हैं, पितर को देते हैं, और ऋषियों को औरों को बाद में देते हैं, उनकी सुविधा के हिसाब से जो पंडित जी जैसे करा दें। और यदि एक ही दिन करना है, रोज नहीं करना है, कारण कि वो जल लेंगे वो चले जाएंगे, वो वेट नहीं करते हैं, तो हो सके तो पत्नी जी को कहिए कि थोड़ा सा खीर बना दें और पूड़ी बना दें, तो एक पूड़ी पर थोड़ा सा खीर, दूसरे पूड़ी पर थोड़ा सा खीर, तीसरे पूड़ी पर थोड़ा सा खीर लेकर के थोड़ी ऊंची जगह में रख दीजिए, जहां पर बिल्ली और कुत्ते ना खा सकें, ऊपर रख दीजिए, दिखेगा कौआ आके खा जाएंगे, कौआ खा लिए तो समझ लीजिए कि पितरों को मिल गया, तृप्त हो गए हैं। यदि नहीं भी मिला तो आजकल कौवे दिखते नहीं, तो आप निराश मत होइए, आपने सारा काम कर लिया। लेकिन वो जो खीर पूरी बना वो पुरुष ही लेकर के ऊपर रखेगा, माताएं नहीं रखेंगी, माताएं रखेंगी तो नहीं खाएगा कौवा। मैं आपको बोल रहा हूं ये सत्य है, इस घटने पर दो चार बार इस घटना को मैं कहानी को बता चुका हूं, सत्य कहानी को। तो यदि घर में माता जी है तो उनकी खीर पूरी बनवा लीजिए, पत्नी और केले के पत्तल पर तीन जगह छत पर या बाउंड्री वॉल के ऊपर में रख दीजिए, ताकि कौआ आकर के खा सके। इतना ही काम है, इतना ही काम है, इतना ही छोटा काम। आपको एक लोटा चाहिए जिसमें गंगा जल हो, उसमें थोड़ा सा दो चार चुटकी काला तिल हो, दो चार चुटकी जौ हो, दो चार चुटकी अक्षत हो गया। नीचे में एक बर्तन चाहिए, या तुलसी चौराहा है आपका तो वहां पर दीजिए, आराम से प्रेम से बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर कर सकते हैं। तृप्यतः तृप्यतः, हे पितर हमारे, मैं जल और तिल दे रहा हूं, तृप्त हो जाइए, मेरी मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मैं जो आपको भोजन दे रहा हूं तृप्त लीजिए। तो एक दिन का भोजन पा करके फिर वो ऊपर चले जाते हैं, उनके पास ये 15 दिन का समय है, हमारे कैलेंडर के हिसाब से 15 दिन का समय है, लेकिन उनके लिए एक दिन जो हमारा है वो 4 मिनट के बराबर है। अब गणित कर लीजिएगा, तो 15 दिन का मतलब 1 घंटा, एक ही घंटा के लिए ये धुरी मिलती है, इसी 1 घंटा के भीतर आना है, उनको अपने बेटे के पास जाना है,
जो भी बड़े बेटे हैं वो नहीं मिला, तो छोटा बेटा उसके बाद नहीं है तो उसका बेटा, जो भी हो, तो जो जल मिल जाता है तो फिर वो लेकर के सीधा वापस हो जाते हैं अपने लोक में। आखिर का जो दिन होता है उसको महालया बोलते हैं, अमावस्या। तो अमावस्या के पहले, अमावस्या में ये धुरी अलग हो जाती है, ये धुरी अलग हो जाती है। ये जो 15 दिन का था धुरी मिला हुआ, वो अलग हो जाता है। जब अलग हो गया तो ऊपर जा नहीं सकते हैं, पृथ्वी पर ही रह जाते हैं 1 साल। हमारे लिए 1 साल, उनके लिए 1 दिन, इसी पृथ्वी पर भूखे प्यासे रह जाते हैं। और जब बेटे के पास जाते हैं और वो बेटा थोड़ा सा भी जल नहीं देता है तो बहुत नाराज हो जाते हैं पितर कि ऐसा नालायक बेटा है कि जल तक नहीं दे सका, तेलयुक्त जल भी हमको नहीं दे सका हमारा भोजन। तो जब तक जन्म नहीं होता है पितृलोक में पितर रहते हैं। पितृलोक चंद्रमा के इर्द गिर्द ही है, जहां तक मैं जानता, भूल गया हूं, 22 डिग्री अक्षांश पर है पितृलोक। तो थोड़ा सा तो जल गिराना है, और क्या करना है। इतना साधारण काम, जैसे मैंने कहा कि कुशा को और इधर से जल गिराइए, काम खत्म आपका। खाली मन से, दिमाग से, मन से उनको ध्यान करके, रिक्वेस्ट करके, श्रद्धा के साथ उनको बुलाइए, कहिए कि जल लीजिए, ग्रहण ली कीजिए मेरा जल, आप तृप्त हो जाइए। इसलिए शब्द बोलना है तृप्त्यतः, 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 तृप्त हो जाइए मेरे पापा, तृप्त हो जाइए मेरे दादाजी, तृप्त हो जाइए मेरे परदादाजी, तृप्त हो जाइए। मैं तो अपना, अपने पक्ष का, पत्नी के पक्ष के जितने हैं जो गुजर गए हैं, उनका जो हमारे गोतिया नैया हैं, वो सबों को मैं देता हूँ। सब कोई को देने के बाद मैं आसपास के जितने आत्मा मडरा रहे हैं उनको भी बोलता हूँ, आइए आप लोग भी जल लीजिए, तृप्त हो जाइए, शांत हो जाइए, क्षुधा शांत कर लीजिए, जो मैं दे रहा हूँ ग्रहण कर। तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से, अरे चेहरा तो याद है, जब मैं धरती से चला जाऊं तो कोई एक सज्जन भी तो होंगे इतने श्रोता के बीच में जो मुझे भी दे सकें जल। मेरा अनुरोध है, दे सकें तो जरूर दे दीजिएगा। मेरा गोत्र मऊदगल है, उमेश प्रसाद मिश्रा, मऊदगल गोत्र, मकर राशि, पुत्र अषाढ़ा नक्षत्र। मैं, आप जो जल देंगे अभी से मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, जो लोग दे सके जरूर देंगे, जैसे मैं करता हूं सबों के लिए करता हूं। तो आज मैं इतनी छोटी चीज ही बताने के लिए आज हाजिर हुआ, और ये दिखाना चाहता था कि कुशा के लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। बाजार में मिलता है, बाजार में मिलता है, पूजा पाठ के दुकान में चले जाइए, उनको बोलिए वो सब दे देंगे, कुशा दे देंगे, तिल दे देंगे, जौ दे देंगे, अक्षत भी दे देंगे। गंगा जल मिलता हो तो कहीं से गंगा जल खरीद लीजिए, यदि आपके पास गंगा जल का थोड़ा सा भी बोतल है, किन्हीं के पास भी है, तो एक एक बड़ा सा बोतल ले लीजिए, उसमें गंगा पानी डाल के गंगा जल डाल दीजिए, गंगा में हो गया, उसी से, उसी जल से उन लोगों को तृप्त कीजिए, तृप्त्यतः, 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 ए पाइप से पानी गिरेगा, जैसे गिरता है गिरने दीजिए, परेशान मत होइए कि एकदम टोटी के ऐसा जैसे नल से पानी गिरता है वैसे गिरे, आराम से कीजिए, श्रद्धा से कीजिए। इसीलिए इसका नाम है श्राद्ध,
श्रद्धया दीयते जलम तिलम इति श्राद्धम। श्रद्धा से जो तिल युक्त जल दिया गया यही श्राद्ध है। आपको एक आदमी को देना है तो एक क्षण लगेगा, दस आदमी को तो दस क्षण लगेगा। कितना है आपका दिन तो जैसे बीतता है, वैसे साल में वर्ष में एक बार तो जल देना है। और पितर तृप्त हो गए तो आपको कुंडली में देखना नहीं कि पितर मेरे रुष्ट हैं और ये है वो है, पितृ दोष लगा हुआ है, इस सब के चक्कर में, पंडितों के चक्कर में मत जाइए। आप यदि जल दे रहे हैं तो पितृदेव कितने भी नाराज होंगे तो खुश हो जाएंगे, यदि जल नहीं दे रहे हैं तो लाख उनके लिए उपाय कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। तो आपके घर में कुछ न कुछ अनकॉल्ड फॉर उपद्रव होता रहेगा, होता रहेगा। तो छोटी सी चीज है, स्वीकार कर लीजिए, ज्यादा आज नहीं बोलूंगा, सिर्फ इसी पॉइंट पर बात करना चाहता था। मेरा अनुरोध स्वीकार कर लीजिएगा। इति शुभम। ज्ञानेश बाबा ज्ञानेश ज्ञानेश ऑन है, बंद कर दिया। हाँ जा रहे।